Hey guys, टेक्नो मीडिया आपका स्वागत है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Hey, welcome back to the channel। तो आज हम लोग बताने वाले हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूँ फाइव ऐसे ट्रिक्स जो आपको हेल्प करने वाले हैं व्हाट्सएप एक्सपर्ट बनने में। आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है, काफी कुछ करने। अगर हम लोग बात करते हैं कि आप जानते हैं हम लोग कैसे कैसे ग्रुप्स हैं, कैसे कैसे फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, हमारा कैसा कैसा मैसेज आते रहते हैं, एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें वो छिपाना पड़ता है, काफी टाइम हमें वो मैसेजेस हाइड करने पड़ते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि आपको आप फैमिली के साथ रहते हैं, आप कजिन्स के साथ रहते हैं, आप नहीं चाहते कि आपका वो मीडिया और वो प्रोफाइल वो इमेजेस वो कोई और देखे। अब क्या होता है कि वो आपके व्हाट्सएप पे भले क्लिक ना करे, बट हो सकता है वो आपकी गैलरी में जाके एक बार कुछ फोटोज एंड इमेजेस देख ले जो कि आपका ग्रुप में शेयर किया गया हो, क्योंकि वो सेव हो जाता है। बट ये ट्रिक आपके लिए है, लेट्स सी कि आप इसे अवॉइड कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको व्हाट्सएप के अंदर जाना है, अनलॉक करना ऑब्वियसली, एंड उसके अंदर आपको अपना सबसे हरामी ग्रुप ढूंढना है जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जिसका टेक्स्ट आपको छिपाना है किसी से। ऑप्शन में जाने के बाद आपको मीडिया विजिबिलिटी देखिएगा, मीडिया विजिबिलिटी पर आपको डिफॉल्ट यस एंड नो एंड एक यस का ऑप्शन होगा, आप नो पे क्लिक कीजिएगा, जिसके बाद आपका उस चैट के अंदर उस ग्रुप के अंदर कोई भी मीडिया आपके गैलरी आपके फोटोज उसके अंदर सेव नहीं होगा। सो एंजॉय, आपका कोई भी कजन आपका कोई भी फैमिली मेम्बर आपका मोबाइल उठाएगा, उस ग्रुप का मीडिया आपके इसमें एक्सेस नहीं हो पाएगा। जैसे आप काफ़ी मुश्किल कॉन्वर्जेशन में हैं, आप उससे बंदे से बात करिए, ऐसे लगता है कि हाँ ये बंदा मेरा काटेगा या कुछ गड़बड़ होने वाला है और मेरा चैट मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है कुछ भी ऐसा, तो आप एक इस ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिसअपीयरिंग टाइप का ऑप्शन है जो आपको व्हाट्सएप में मिलेगा, उससे क्या होता है कि आप 7 दिन के अंदर जो भी आपका बात हुआ होगा वो खुद ही डिलीट हो जाएगा। बट एक है कि उसे भी पता रहेगा कि ये चैट डिलीट हो जाएंगे, तो हो सकता है बंदा सामने वाला ज़्यादा स्मार्ट हो एंड स्क्रीनशॉट ले ले, बट देख लो कैसे किया जाता है। कभी मैजिक देखा है व्हाट्सएप में? आप दिखा दो मैजिक। आप जैसे व्हाट्सएप पे क्लिक कीजिएगा, ऑब्वियसली उसको अनलॉक करना पड़ेगा, मेरा वाला लॉक लगा हुआ है। तो जैसे आप किसी भी नंबर पे जाइए एंड उसके ऑप्शंस पे आप क्लिक कीजिए एंड वहाँ पे आपको दिखेगा डिसअपेयरिंग मैसेजेस। आप उस पर जब क्लिक कीजिएगा ना, जैसे आप क्लिक कीजिएगा उसमें ऑन और ऑफ होगा, जैसे आप ऑन कीजिएगा उसके अगला 7 दिन तक आप जो भी मैसेज कीजिएगा 7 दिन के बाद वो डिलीट हो जाएगा। अब क्या ये हम लोग काफ़ी बार अपने व्हाट्सएप वॉल पे बिल्कुल सेम लगते हैं, बट क्या है कि आप किसी को दिखा नहीं सकते, किसी को स्क्रीनशॉट भेज के किसी को भेजना हो तो आप वो चीज़ नहीं कर सकते। बट जैसे कि कुछ लोग एक दो गर्लफ्रेंड रखते हैं, उन्हें पटाने के लिए उनका वॉलपेपर भी रखते हैं, बट क्या है कि वो सारे चैट्स में वॉलपेपर नहीं रखते, कभी किसी और ने मांग लिया गलती से तो आपको तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उस चीज़ के सोल्यूशन के लिए, काफ़ी और सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए दिस इज फॉर यू। आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आप एक चैट में एक पर्टिकुलर ही वॉलपेपर यूज़ कर सकते हैं एंड दूसरे चैट में कोई दूसरा ही पर्टिकुलर वॉलपेपर यूज़ कर सकते हैं। आपको जिसको जैसा वॉलपेपर सेंड करना है चैट के साथ आप उसको सेंड कर सकते हैं बिना पैसे बिना कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैं ऑप्शंस पे जाऊँगा अपने चैट के, मैं आपको पहले डेमो दिखा देता हूँ। जैसे कि ये मेरा एक कॉन्टैक्ट है एंड ये मेरा दूसरा कॉन्टैक्ट है जिसमें ऑलरेडी मेरा डिफरेंट वॉलपेपर सेव्ड है। अब यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार चेंज करके दिखाऊंगा कि किया कैसे जाता है। आप वॉलपेपर क्लिक कीजिए, आप खुद से कस्टम भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपका अपना कोई भी मन करे। सॉलिड कलर्स भी है, मुझे पर्सनली डार्क पसंद है तो मैं कोई एक डार्क कलर पर क्लिक करता हूँ, जैसे आई एम लविंग दिस तो मैं ऐसे चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं एक दूसरे चैट पर जाता हूँ, देखिए यहाँ का अभी वॉलपेपर बिल्कुल चेंज है। आप वापस जाइए एक बार, वहाँ का देखिए वहाँ का भी चेंज है। तो अब हम लोग इस वाले में वापस से इसको चेंज करेंगे, वॉलपेपर पे क्लिक करेंगे, चेंज पे क्लिक करेंगे एंड कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं लाइक दिस वन। ओके, सो सेलेक्टेड दिस वन। अब मैं पीछे लेके जाता हूँ, मैं दूसरे वाले चार्ट पे लेके जा रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ पे चेंज है एंड यहाँ पे भी चेंज है। अब आपको अपने हिसाब से जैसे चेंज करना है कर सकते हैं। हो सकता है हम लोग नींद काफ़ी प्रॉब्लमेटिक और हम लोग काफ़ी लेट में उठते हैं, जैसे कि आप मैं कभी कभी 1 बजे 2 बजे उठते हैं, बट आपकी बंदियाँ या कोई भी ऑफिशियल पर्सन, मैं दोनों हिसाब से ले सकता हूँ प्रोफेशनल और प्रोफेशनल, कि सुबह पहले उठते हैं आपको कुछ मैसेज उनको सेंड करना है, जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड है सुबह 7 बजे उठ जाती है ना, आपको उसको मैसेज करना है 8 बजे तक या सुबह 7 बजे ही मैसेज करना है गुड मॉर्निंग, ताकि हिस्ट्री विल बी ओके आफ्टर डैट। तो अब क्या है कि आप सो गए, आप मैसेज नहीं कर पाए, गुस्सा हो गई, या आप कोई प्रोफेशनल काम पर आपको कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना है बट आप सो गए हैं, आपको डॉक्यूमेंट सेंड नहीं हुआ, आपका डेडलाइन क्रॉस हो गया, तो दिस ट्रिक इज फॉर यू टू हेल्प देम आपको पहले प्ले स्टोर के अंदर जाना है, प्ले स्टोर पर लिखना ऑफलाइन चैट। ऑफलाइन चैट जैसे आप खोलिएगा उसे डाउनलोड कर सकते हैं, मेरा ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं इसे इंस्टॉल भी कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद आपको कुछ अननेसेसरीज अलाउन देना पड़ेगा एंड आपके पास ये ऑप्शन खुल जाएगा। ना ऑफलाइन चैट में मैं एक फ्रेंड को एग्जाम्पल ले लेता हूँ, वैसे मैं हाई भेजता हूँ, हेलो भेज देता हूँ, एक मिनट। हाँ,
तो इस पर ओके करूँगा। जैसे मैं सॉरी फॉर एड, एड आपको दिखाएगा क्योंकि इट्स नॉट अ पेड, बट आप इसका पेड भी ले सकते हैं, आई थिंक उसमें आपको ऐड नहीं दिखाएगा। तो यहाँ क्या होगा कि मैं जो सेंड करूँगा मैं बिना वहाँ पे ऑनलाइन जाए सेंड करूँगा। जैसे कि ये मेरा सेंड हो चुका है, अब मैं आपको व्हाट्सएप पे जाके दिखाता हूँ वहाँ पे सेंड हुआ है कि नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल देखिए ये मेरा फ्रेंड है, यहाँ पे मैंने हेलो भेजा था, सी हियर इज़ द हेलो जो मैं वहाँ से भेजा था। लेकिन मुझे मैं यहाँ पे जो चैट में भेजूँगा किसी को भी मेरा ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं दिखाने वाला है, मतलब कोई और जो मेरा ट्रैक कर रहा होगा उसे नहीं पता चलेगा कि मैं ऑनलाइन आया था और किसी को मैसेज किया था। अब क्या ये इस चीज़ को कोई गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करे, बट मैं इस पर अच्छा पर्सपेक्टिव और दूसरा पर्सपेक्टिव भी डाल देता हूँ। असोविन जी कोई बंदा है दो तीन बंदियों से बात कर रहा है, बट अब मैं एक बंदी से बात कर रहा हूँ, दूसरी बोली भाई तुम क्यों ऑनलाइन हो, तीसरी बोली भाई आप अभी भी ऑनलाइन, आप तुमसे बात ही नहीं कर रहे। तो उसके लिए ट्रिक है, बट काफ़ी और चीज़ें जैसे कि हम अपने व्हाट्सएप काफ़ी ऑफिशियल लोगों को भी दे के रखते हैं, बट रात के 3 बजे हम किसी से चैट करें एंड दे आर लाइक कि यू आर स्टिल अवेक, और आप जैसे कभी बहाना बनाए कि आई एम स्टिल सिक और मैं ऑफिस नहीं आ सकता, मैं काम पे नहीं आ सकता, मतलब आप तो व्हाट्सएप में ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हो लगातार। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए एक ट्रिक है ऑफलाइन चैट करके क्या पता है, लेट मी शो यू हाउ टू डू इट। यहाँ पे हम लोग वापस से प्ले स्टोर में जाएंगे एंड सर्च करेंगे स्कैडिट, उस पर इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल इसमें क्या होगा ना कि आपको इसमें एक फीचर है बहुत बढ़िया कि आपको शेड्यूल्ड देगा, आप किसी को भी कुछ भी ऑन टाइम भेज सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। अब आपकी गर्लफ्रेंड अगर सुबह 7 बजे उठती है, आपको 7 बजे से व्हाट्सएप में मैसेज करना है, बट आप सो गए तो आप उसमें इसके हेल्प से कर सकते हैं। आप साइन इन कर लीजिए, साइन इन करने के बाद आपको व्हाट्सएप के अंदर जाना है। इसमें ग्रुप का भी ऑप्शन होता है, आप ग्रुप में भी कोई मैसेज अगर किसी को कुछ भेजना है आपको रात में सो के, लाइक यू वांट टू सेंड इट इन द मतलब मॉर्निंग। अब आप जैसे कि यहाँ पे मैं एक फिर से अदनान को ले लेता हूँ एग्जांपल, एंड इट्स अ पर्टिकुलर पर्सन, मैं किसी ग्रुप को नहीं भेज रहा हूँ। तो मैं जैसे कि गुड मॉर्निंग लिखा, अब वहाँ पे मुझे डेट एंड टाइम सेलेक्ट करना है, तो मैं डेट 2 तारीख कर देता हूँ क्योंकि आज तो 8 नहीं बज रहा है। तो 8 जैसे मैं क्लिक करूँगा एंड 0 AM PM आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं, उसके बाद मैं सेंड पर क्लिक कर दूँगा, वो भी जो ऑप्शन है। हाँ चलिए आज के लिए नया ट्रिक था, 5 के 5 पूरे बता दिए, होप आपको ट्रिक अच्छा लगा होगा। और ट्रिक अच्छा लगा है और ऐसे से सारे आपको और चाहिए तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, एंड वैसे बोलने का कोई फायदा नहीं बट वीडियो को अच्छे सेंस में लेना, मतलब इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना, चीटिंग वीटिंग बहुत गलत चीज हो गई, ठीक है, स्टे लॉयल। चलो तब तक के लिए होप यू आर फाइन, बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम, कोरोना वापस आ रहा है तो लॉकडाउन वापस शुरू होने वाला है। तो चैनल को ढेर सारा प्यार दिखाओ एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो।